हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे बीएससी थर्ड ईयर की जूलॉजी, जिसमें आपका पेपर वन में यूनिट थर्ड का टॉपिक था क्रोमेटोग्राफी, जिसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं, पेपर एंड थिन लेयर। तो देखिए, हम इजी वे में इसे समझेंगे, जैसे कि हम इसके डिफरेंस करके इसे हम अच्छे से समझ सकते हैं। तो देखिए, आप डाल लीजिए एक साइड थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और एक साइड डाल लीजिए पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो देखिए, इसका फर्स्ट पॉइंट आपका क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज अब्सॉर्प्शन, ठीक है। और यहीं पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन और पार्टीशन, ठीक है। और सेकंड पॉइंट आपका है, मोर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या है, लेस अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज रिक्वायर्ड। थर्ड पॉइंट आपका है, लेस टाइम कंज्यूमिंग 15 to 45 मिनट्स, और यहीं पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, मोर टाइम कंज्यूमिंग 2 to 3 आवर्स, ठीक है। फोर्थ पॉइंट आपका है, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी से आप TLC भी लिख सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो देखिए, TL प्लेट्स कैन बी हीटेड इन एन ओवन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यहीं पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या है, पेपर कैन नॉट बी हीटेड इन एन ओवन फॉर अ लॉन्ग टाइम। फिफ्थ पॉइंट आपका क्या है, सेपरेशन इज मोर शार्प, और यही पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, सेपरेशन इज लेस शार्प। सिक्स्थ पॉइंट आपका है, थिन लेयर हैव फिजिकल स्ट्रेंथ, असेंडिंग टेक्निक्स आर प्रिफर्ड फॉर दिस टाइप, और यही पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होगा, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल स्ट्रेंथ इन पेपर डिसेंडिंग टेक्निक्स आर यूज्ड, ठीक है। और आपका सेवन्थ पॉइंट होगा, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्रोमेटो प्लेट्स आर प्रिपेयर्ड बाय कोटिंग थिन लेयर्स ऑफ सिलिका जेल एलुमिना ऑन ग्लास प्लेट्स। यहीं आपका पेपर क्रोमेटोग्राफी में देख लीजिए, हेयर पेपर इज जनरली यूज्ड वॉचमैन फिल्टर पेपर, सिलिका जेल और एलुमिनिया कैन नॉट बी यूज बिकॉज दे कैन नॉट बी मेड इनटू शीट्स, ठीक है। एट्थ पॉइंट आपका क्या है, इन थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी क्रोसिव रीजेंट्स मे बी कोटेड ऑन ग्लास प्लेट्स, और पेपर क्रोमेटोग्राफी में देखिए, हेयर क्रोसिव रीजेंट्स डिस्ट्रॉय द पेपर। नाइन्थ पॉइंट आपका, सेंसिटिविटी of detection of the fraction on plate is high, the spots are less diffused. Paper chromatography में क्या होगा, less sensitivity of detection, the spots easily diffused, ठीक है। और last और tenth point आपका क्या है, thin layer chromatography can be evaluated under UV, और paper chromatography में क्या होगा, paper chromatography cannot be evaluated under UV. तो दोस्तों देखिए, हमने थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी को समझ लिया है इनके डिफरेंस करके, और 10 पॉइंट्स आपको समझा दिए हैं। आई होप इससे आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्रोमेटोग्राफी जो आपकी थी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी और पेपर क्रोमेटोग्राफी। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए, ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के।